हाँ तो गाइस कैसे हो आप लोग सभी। आप लोग का स्वागत है भाई द कॉमर्स बड़ी चैनल में। तो आज गाइस बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जो कि भाई ग्रेट लर्निंग है। आपने सुना भी होगा, या जिन लोगों ने नहीं सुना तो मैं प्रॉपर आज बताने वाला हूँ क्या क्या ग्रेट लर्निंग में कवर होने वाला है। तो जैसे आपने बेसिकली यूडमी देखा है, अपना लिंक्डइन देखा है, कोर्सेरा देखा है, इसी के जैसे ग्रेट लर्निंग है जो कि भाई हमारे एम्बेसडर विराट कोहली जी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो गाइज़ बहुत ही अमेजिंग है ये प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग, और अभी तक आपने अगर इसके कोर्सेज़ नहीं किए हैं तो गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज़ होते हैं इसके और फ्री कोर्सेज़ होते हैं। प्लस आपको प्रॉपर इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, और लास्ट में आपका एक क्विज़ रहेगा। अगर आप उस क्विज़ में पास हो जाते हो तो फिर आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेट लर्निंग की तरफ से, जो कि आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो गाइज़। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, और मैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज है ग्रेट लर्निंग में, आप जाओगे उनकी वेबसाइट में। बट यहाँ मैं अभी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा रेटिंग्स वाले कोर्सेज हैं वो आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, जो जो कोर्स आपको एनरोल करने हैं। तो आप बस लिंक को क्लिक करो, अपना अकाउंट बना लो ग्रेट लर्निंग में, और आप ग्रेट लर्निंग के बाद आप जल्दी से उनको एक्सेस कर सकते हो और जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट ले सकते हो गाइस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि तभी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे चैनल के। प्लस आपको शेयर और कमेंट जरूर कर देना गाइस, तभी मेरे को पता चलेगा कि यार क्या और ज्यादा क्या क्या लोगों को प्रेफरेंसेस है। जैसे अभी किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन बोला था कि आप क्लास 10th के सर्टिफिकेट्स डालो या 10th के कोर्सेज डालो। तो गाइस मैंने इस वीडियो में ग्रेट लर्निंग में आप क्लास 10th के भी जो जो जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज में आप अच्छे हो, मतलब जावा लैंग्वेज आपको बनती है, HTML वगैरह बनती है, तो गाइज वाले कोर्सेज आप ले सकते हो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हो, प्लस PG स्टूडेंट्स के लिए भी गाइज। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइज, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल करो। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं वाला वीडियो। ठीक है, तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो आपको आ जाना है भाई अपने गूगल इंटरफेस में। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है सबसे पहले ग्रेट लर्निंग। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ ग्रेट लर्निंग का प्रोसेस क्या होने वाला है। आपको ग्रेट लर्निंग सर्च करना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ग्रेट लर्निंग मैंने सर्च किया तो ग्रेट लर्निंग का इंटरफेस आ गया है, और आपको इस वेबसाइट पे चले जाना जो कि टॉप की वेबसाइट है। तो आप देख सकते हो इसका ये इंटरफेस है ग्रेट लर्निंग का। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड वगैरह, इनसे इनका टाई अप है। प्लस इनकी सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी, अगर आप जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हो कि हमें यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी, तो आप ग्रेट लर्निंग में उनके कोर्सेज करो जो कि एफिलिएटेड कोर्सेज है कंपनीज के। अगर आप वो कर लेते हो और फिर आपका क्विज होएगा, इंटरव्यू होएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको यहीं की यहीं जॉब भी मिल जाएगी गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ये गाइस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे आप ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आ जाओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा साइन इन का। ठीक है, तो अभी मेरा साइन इन अकाउंट है स्पर्श नाम से, तो आपको बस इधर लॉग आउट करना है। लॉग आउट मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो आप जैसे ही लॉग आउट करोगे तो ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा आपका। आपको यहाँ पे जाना है लॉग इन, लॉग इन में क्लिक करने का तो आपको अपना इधर अकाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आप जैसे ही इसमें अकाउंट डालोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लो, और अगर आपका अकाउंट है तो जस्ट आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं इधर अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको बस अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है और फिर आपका डायरेक्टली अकाउंट खुल जाएगा ओपन। अब जैसे ही अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, ये देखिए मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको कोर्सेज की लिंक डायरेक्ट भेज देता हूँ कि क्या क्या कोर्सेस हैं, तो आप डायरेक्टली उनमें एनरोल कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अपन पहला कोर्स देखते हैं। पहला कोर्स है हमारे सामने इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग गाइस। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है एथिकल हैकर्स, जो कि भाई आप चाहते हो कि भाई हम फ्यूचर में हैकिंग का कोर्स सीखें, कि भाई हम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं कि यार हमसे हैकिंग बनती। तो गाइस ये वाला आप कोर्स ले सकते हो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, जिसकी रेटिंग्स आप देख सकते हो 4.5 है, और ऑलरेडी ये बिगनर लेवल का है गाइस। तो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एथिकल हैकिंग का तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी है पूरा, तो आप अगर फ्यूचर में भी कोई कंपनीज आती है जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए बोलती है कि भाई आप एलिजिबल हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी के लिए ये वाला सर्टिफिकेट डाल सकते हो अपना ग्रेट लर्निंग का गाइस। तो आप देख सकते हो अबाउट फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स, तो आप डिटेल्स देख सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या कवर होने वाला है, सब आपको बताने वाले हैं क्या क्या स्किल्स इसमें होंगी। आपको एथिकल हैकिंग बनने लगेगी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बनने लगेगी एथिकल हैकिंग की। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्स सिलेबस क्या क्या है, तो आपको हैकिंग के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होती हैं, गोल्स ऑफ एथिकल हैकिंग की भाई आप एथिकल हैकिंग से क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये प्रॉपर आपको हर वीडियो लेक्चर मिलने वाले गाइस। तो आप देख सकते हो कितने सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, और फिर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप देख सकते हो इसका सर्टिफिकेट कैसा दिख रहा है आपको। आपको ग्रेट लर्निंग का सर्टिफिकेट मिलेगा प्रेजेंटेड टू, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा,
और आपका ये भी जो नंबर है यहाँ पे वो आएगा, पावर्ड बाय ग्रेट लर्निंग एकेडमी। तो गाइस ये वाला आपको मिलेगा सर्टिफिकेट प्रॉपर ग्रेट लर्निंग का, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप क्विज कॉम्पिटिशन क्लियर कर लेते हो गाइस। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि इसको एनरोल कैसे करना है। तो आप जैसे ही इस पेज में पहुंच जाओगे, तो ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको बस यहाँ पे देख सकते हो, आपको 3 आवर्स का वीडियो कंटेंट है। तो बस आपको 3 घंटे वीडियो लेक्चर इनके देखने हैं, 3 घंटे वीडियो लेक्चर के बाद एक क्विज रहेगा इनका, उस क्विज को आपको पास करना है। जैसे ही आप क्विज को पास कर लोगे, तो आपको फ्री में साइबर एथिकल हैकिंग, जो कि साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, वो आपको फ्री में उसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। तो कैसे करना है आपको, आप देख सकते हो 96,961 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल कर चुके हैं गाइस, समझ रहे हो। तो आपको जस्ट इसको क्लिक करना है एनरोल नाउ। जैसे ही आप एनरोल नाउ क्लिक करोगे, तो इसमें क्या होएगा, आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपका एक कोर्स जो कि होता है ये बाय हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। मतलब अभी इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा उसमें लॉग इन इशू हो रहा है कुछ। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। एनरोल नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपका एक कोर्स चालू हो जाएगा। एनरोल नाउ जैसे ही आपका कोर्स चालू हो जाएगा, तो फिर बस आपको अपने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। वीडियो लेक्चर्स आप जैसे ही देखोगे, वीडियो लेक्चर्स के बाद एक क्विज आएगा, क्विज को सॉल्व करके आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, आपके जीमेल अकाउंट में आ जाएगा गाइस। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं आपको लिंक इसकी सेंड कर दूंगा डायरेक्टली, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स है हमारा भाई इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी गाइस। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। इसमें मैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स, जो कि आप अगेन ये एथिकल हैकिंग से रिलेटेड है, और इसमें आप देख सकते हो 4.45 स्टूडेंट रेटिंग्स इसकी गई हुई है, बिगनर लेवल का है। और इसमें वीडियो कंटेंट आपको 2.5 आवर्स का मिलने वाला है, प्लस एक क्विज भी रहने वाला है। और ऑलरेडी इसमें 52,036 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि भाई क्या क्या इसमें साइबर सिक्योरिटी में कवर होने वाला है, और आप अपने सिस्टम को, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप सिस्टम, आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो यूजिंग दिस साइबर सिक्योरिटी गाइस। तो आप इसमें जल्दी से एनरोल करो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है इन सब कोर्सेज का। ये तो खैर फ्री है, बट ये रहता है कि आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, तभी मैं आपको और फ्यूचर में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आऊंगा इस इन कोर्सेज के लिए, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, आप देख सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, बस आपको इधर देखना है कि भाई व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे ही आपका अकाउंट बन गया ना, तो आपको एनरोल फॉर फ्री भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके आप क्लिक कर दोगे, तो आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या कवर होने वाला है, रैनसमवेयर, पॉपुलर अटैक्स, फिशिंग अटैक्स, ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं, जो कि भाई नॉर्मली एक ह्यूमन को फेस करने रहते हैं। आप हर डेली बेसिस पे अपने लाइफ में देखते हो कि भाई लोग अलग अलग वेबसाइट्स भेज देते हैं, जो कि भाई उसमें लिखा आता है कि दिस वेबसाइट इज अनसिक्योर्ड, पर अपन क्या कर देते हैं, उसको गलती से क्लिक कर देते हैं। और गलती से क्लिक करने का क्या होता है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वायरसेस आ जाती है, इवन मोबाइल फोन में भी। ठीक है, तो गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये वाला साइबर सिक्योरिटी का। तो गाइस जल्दी से जल्दी इसमें आप एनरोल करो, तभी आपको बताएंगे सब चीजें, बताएंगे आपको व्हाट्सएप में जो अटैक्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, सब चीजें गाइस इसमें कवर होने वाली। तो जल्दी से जल्दी आप ये वाला कोर्स ले सकते हो, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, सिर्फ 2-2.5 घंटे का कोर्स है गाइस, तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। ठीक है, फिर आपको मैं नेक्स्ट कोर्स बता देता हूँ। नेक्स्ट कोर्स है हमारा, नेक्स्ट कोर्स है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग गाइस। ये भी बहुत ही अमेजिंग कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें 22,70,716 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, और ये भी बिगिनर लेवल का कोर्स है, 4.44 रेटिंग्स है इसकी गाइस। और ये देख सकते हो आपको ये भी क्या लिखा है, फ्री है। आपको कोई भी, जितने मैं इधर कोर्सेज बता रहा हूँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। और आपको, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना ग्रेट लर्निंग के, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बट अपन, मैंने वो वाले कोर्स सेलेक्ट किए जो कि बहुत ही ज्यादा, जिनकी रेटिंग्स और जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं और जिनकी वैल्यू है फ्यूचर में गाइस। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये सब कोर्सेज अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर में सीखना, कि भाई हम कैसे क्या काम कर सकते हैं सेल्स सेल्स डोमेन में, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग गाइस, जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग हर चीज सिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या स्किल्स कवर है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और PPC। फिर आप देख सकते हो भाई इंट्रोडक्शन मतलब डिजिटल मार्केटिंग, इन ये लोग बेसिक्स बताएंगे क्या होता है, फिर कंटेंट मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट एंड ऑटोमेटेड मार्केटिंग, पे पर क्लिक एंड PR एंड डेमा ऑन SEM, ये सब आपको भाई चीजें बताने वाले हैं। आप इसका सर्टिफिकेशन देख सकते हो, ऐसा सर्टिफिकेट है इसका भाई, जस्ट आपको एनरोल फॉर फ्री पे करके आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो इसमें गाइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कोर्स की तरफ आते हैं, एक मिनट। हाँ भाई, तो नेक्स्ट कोर्स है हमारा केस स्टडीज फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। तो केस स्टडी भाई बेसिकली अपन देखते हैं ना, आप अगर 11th 12th में और आपने बिजनेस बिजनेस स्टडीज लिया अपना सब्जेक्ट, तो अपन बेसिकली उसमें केस स्टडीज बनाते हैं। और ये केस स्टडीज क्या है, फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड।
जिसमें अपन देख सकते हैं बिगिनर लेवल की ये कोर्स है अगेन, और इसकी रेटिंग्स देख सकते हैं 4.3, और इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स 21,556 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं इसमें। अगेन ये फ्री कोर्स आपको दिया जा रहा है और ये 5 घंटे का वीडियो कंटेंट है इसमें, तो आप देख सकते हो इसके बारे में प्रॉपर आपको दिया गया है कि क्या क्या चीजें कवर होने वाली है और इसमें स्किल्स क्या है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग आपको सिखाएंगे, डिसीजन ट्रीज बता देंगे, और क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, तो आपको प्रॉपर मॉडलिंग बताएंगे भाई क्या क्या चीजें कवर है, हर चीज समझाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स बताएंगे, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिटिक्स बताएंगे, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, हर चीज आपको बताने वाले गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, बस आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। एनरोल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इसको एक्सेस कर पाओगे, एक्सेस करोगे जस्ट आपको वीडियो देखने है, वीडियो में आखिरी में आपको क्विज मिलेगा, और कुछ में हो सकता है क्विज ना भी मिले, जस्ट आपको वीडियो देख के सर्टिफिकेट मिल जाएगा गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, आप जल्दी से जल्दी इसको एनरोल करो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका केस स्टडीज फ्रॉम रिटेल एंड ई कॉमर्स, ठीक है। ये भी क्या है भाई आपका, ये भी अगेन केस स्टडीज है। पहला वाला जो था वो मैंने फाइनेंस के लिए कवर किया है जो कि भाई कॉमर्स स्टूडेंट्स है, और ये रिटेल एंड ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मतलब बेसिकली भाई जो अपन अमेजोन वे फ्लिपकार्ट वगैरह जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है उनकी केस स्टडीज के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं गाइस। ये भी अगेन बिगिनर लेवल का है और ऑलरेडी आप देख सकते हो 12,986 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं इस कोर्स में गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये वाला, और इसमें आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के बारे में सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसमें टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, क्लस्टरिंग, मार्केट बेस्ड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, कार्ट एंड रेंडम फॉरेस्ट, सब आपको चीजें कवर कराने वाले हैं। क्या क्या चीजें होंगी इसमें ई कॉमर्स में आप देख सकते हो, ये 6-7 डोमेन्स कवर होने वाले हैं। बस आपको एनरोल नाउ करना है, और एनरोल नाउ के बाद आपको डायरेक्ट वीडियोस देखने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा गाइस। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है गाइस, इसलिए विदाउट टाइम वेस्ट आप जल्दी से एनरोल कर लो इनमें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है स्मार्ट इंग्लिश बेसिक्स फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है भाई। अगर आपको भाई इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी अपनी सुधारनी है भाई, आपको प्रोफिशिएंसी लानी है इंग्लिश में, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो जो कि प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन हुआ है। ये भी बिगनर लेवल का कोर्स है, और इसमें आप देख सकते हो फ्री कोर्स है आपका 1 घंटे का, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे का ये कोर्स है आपका, और एक क्विज है। तो इसमें आप ऑलरेडी देख सकते हो 2,67,098 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके इस कोर्स में, और स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर इंग्लिश का रहेगा, इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी रहेगा, और स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स, तो आप कैसे अपने इंटरव्यूज के लिए प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो, हर चीज यहाँ पे आपको बताने वाले। और यहाँ पे जो टीचर है भाई ये आपको पढ़ाने वाली है, खुद ही एक एक्सपीरियंस है, और ये आपको सर्टिफिकेट इसका फिर मिलेगा जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो एक क्विज देने के बाद, ठीक है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है स्मार्ट इंग्लिश बेसिक्स, जिनको भी इंग्लिश सीखनी है और अच्छी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी इंग्लिश लैंग्वेज में गाइस, तो ये वाला बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोर्स है हमारा भाई मार्केटिंग फाउंडेशन। तो भाई अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, अगर आप भाई चाहते हो कि हम मार्केटिंग के फील्ड में और ज्यादा एक्सप्लोर करें चीजों को, तो आप ये वाला भी कोर्स ले सकते हो मार्केटिंग फाउंडेशन। ये भी अगेन बिगनर लेवल का कोर्स है, और फ्री सर्टिफिकेशन आपको दिया जा रहा है, और ये भी 3 घंटे का कोर्स है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप आज ही एनरोल कर सकते हो और आज ही इसको कंप्लीट कर सकते हो गाइस। और ये ऑलरेडी 43,996 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है, आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे। और फिर ये अबाउट द कोर्स आपको प्रॉपर दिया है, स्किल्स में आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग वगैरह सब दिया है, और कोर्स सिलेबस में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, प्लस इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है मार्केटिंग फाउंडेशंस का, अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया है गाइस, तो ये वाला भी आप कोर्स ले सकते हो मार्केटिंग फाउंडेशंस का, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट मैं इसको क्लोज कर दूं, हाँ ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट कोर्स हमारा आता है बिजनेस फाइनेंस फाउंडेशंस, तो ये भी गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है बिजनेस फाइनेंस फाउंडेशंस का। ये भी भाई जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि फ्यूचर में चाहते हैं कि भाई हम फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल में जाएं कंपनीज में या एनालिस्ट बने, तो आप ये वाला ले सकते हो बिजनेस फाइनेंस फाउंडेशन का कोर्स। तो इसमें आप देख सकते हो बिगनर लेवल का कोर्स है, ये भी फ्री कोर्स आपको दिया जा रहा है, और इसकी 2-2.5 घंटे का उसके लेक्चर है गाइस। तो 2.5 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर देखना है, जैसे आप प्रॉपर देख लोगे वीडियो लेक्चर, फिर उसके बाद एक क्विज होने वाला है, आप क्विज को बस खेलो, क्विज में आप पास हो जाओ, क्विज में आप पास हो जाओगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑलरेडी इसमें 44,127 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस, तो आप देख सकते हो इसके इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, और इसमें आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, नॉलेज ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सब आपको पढ़ाने वाले जो कि भाई कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कि है अभी क्लास 11th क्लास 12th में, तो वो लोग इसको कवर कर सकते हैं गाइस। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, और इसमें आपको हर चीज मिलेगी, आपको बिजनेस फाइनेंस ओवरव्यू, अकाउंटिंग,
हर चीज आपको सीखने मिलेगी, एसेट लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हर चीज आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो अमेजिंग कोर्स, आप जल्दी इस कोर्स को एनरोल कर लो, बिजनेस फाइनेंस फाउंडेशन, जिसमें आपको एक एज मिल जाएगा जो कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स है, कि भाई एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करें, लाइबिलिटीज हो गई, प्रॉफिट लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, हर चीज को आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा, एक मिनट मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। हाँ भाई, तो नेक्स्ट कोर्स है हमारा जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग भाई अमेजिंग कोर्स है, आप जानते हो, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कोर्स लाया हूँ, और जो कि भाई अगर क्लासेस 9th 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो कि भाई साइंस स्ट्रीम से, वो लोग अलग कोर्स ले जावा प्रोग्रामिंग। तो आपको पूरा जावा के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपर हर चीज आपको कवर होगी इसमें, जावा में जो जो अपन चीजें देखते बेसिकली, कि भाई जावा लैंग्वेज में क्या क्या अपन एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट हर चीज आपको मिलने वाली गाइस। इधर 4.45 रेटिंग्स है इसकी, और बिगनर लेवल का कोर्स है ऑलरेडी। इसमें आप देख सकते हो 1,95,803 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, और ये सर 2 घंटे का वीडियो लेक्चर है, तो आप आज ही इसको कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और एक क्विज रहेगा, जैसे मैंने आपको हर कोर्स में बताया, एक क्विज होने वाला है, एक क्विज को आपको देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट प्रॉपर मिल जाएगा। या आप अबाउट में देख सकते हो भाई, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ जावा में सब चीजें पढ़ाएंगे, व्हाट इज जावा, कि भाई फर्स्ट जावा प्रोग्राम बनवाएंगे, इसमें वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेशंस इन जावा, और फिर फ्लो कंट्रोल, स्टेटमेंट्स इन जावा, फंक्शंस इन जावा, एरेज इन जावा, हर चीज आपको इसमें कवर कराने और प्लस आपको फिर लास्ट में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ग्रेट लर्निंग की तरफ से गाइस, ठीक है। तो अमेजिंग कोर्स है गाइस, जल्दी से जल्दी आप एनरोल करो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका भाई एक्सेल फॉर बिगिनर्स। तो भाई ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि आप मैंने पुराने वीडियोस में यूडमी कोर्सेरा के उनमें प्लेटफॉर्म में बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कितना ज्यादा यूज है, बट अगर इन केस आप वो वीडियो नहीं देख पाए हो तो जल्दी से जल्दी आप ये वाला कोर्स एनरोल कर लो, एक्सेल फॉर बिगनर्स, जो कि ग्रेट लर्निंग की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो 4.46 रेटिंग्स है इसकी, और बिगनर लेवल का कोर्स है ये, 2 घंटे का वीडियो लेक्चर है, और प्लस एक क्विज होने वाला है गाइस। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है गाइस, और 2,17,621 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें कवर होने वाली एक्सेल फॉर बिगिनर्स के लिए। तो जिनको भी नॉलेज नहीं है, जो कि आप अगर स्कूल में भी हो या कॉलेज में भी हो या आप ग्रेजुएटेड पीजी डिग्री भी कर रहे हो, अगर आपको भाई इस कोर्स का नॉलेज नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह का, तो गाइस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली फ्यूचर में। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप एनरोल कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अपन नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा क्लाउड फाउंडेशंस। तो क्लाउड फाउंडेशंस बेसिकली ये भी एक कोर्स दिया जा रहा है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, आपको प्रॉपर जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग देखते हैं, वो डोमेन यहाँ पे कवर होने वाले। जैसे अपन क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक आपको बता देता हूँ, जैसे आप घर में आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि भाई जो मेरा फ्रेंड है जो कि भाई दूसरी सिटी में रहता है उससे मैं कैसे कनेक्ट हूँ, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग से हो सकते हो कनेक्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसमें एक दूसरे से फेस टू फेस डिफरेंट डिफरेंट जितने भी लैपटॉप जितने भी सिस्टम्स है वो सब एक ही डोमेन से कवर हो सकते हैं गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है क्लाउड का फाउंडेशंस, और इसमें आप बेसिकली हैकिंग वगैरह भी सीख सकते हो, कि भाई कैसे क्या क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से लोग हैकिंग वगैरह करते हैं, और बहुत ही आपको भाई आप बच सकते हो हैकिंग वगैरह से। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है क्लाउड फाउंडेशंस, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करो, इसकी 4.61 रेटिंग्स है, और बिगनर लेवल का कोर्स है, आप अगेन देख सकते हो 2.5 घंटे का कोर्स है, और एक क्विज होने वाला है, इसमें आपको प्रॉपर बेसिक कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें 76,602 ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, आप जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, जिसमें क्लाउड फंडामेंटल्स है, सर्विस डिप्लॉयमेंट फंडामेंटल्स है, स्केलिंग फंडामेंटल्स है, तो आपको हर चीज के बारे में ये लोग कवर कराने वाले हैं। फिर आप देख सकते हो भाई स्टोरीज है और बिजनेस कंसर्न, जो कि भाई जो जो बिजनेसमैन आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं तो उसके बारे में बताया गया है, और वाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों ये आया गया, इवोल्यूशन क्यों हुआ, सर्विस मॉडल्स क्या है, एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स क्या है, स्पाइडर्स, क्लाउड एट्रीब्यूट्स, मैनेज सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, और प्राइसिंग एंड स्केलिंग मॉडल्स। तो गाइस ये सब आपको कवर कराने वाले हैं, और प्लस इसका लास्ट में इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है, नेक्स्ट कोर्स है हमारा भाई क्लाउड फाउंडेशंस के बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट HTML। तो गाइस ये भी बहुत अमेजिंग कोर्स है, जो कि भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, जो कि भाई अपने कॉलेज में साइंस CS कर रहे हैं, IT कर रहे हैं, तो वो लोग अलग कोर्सेस ले सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग HTML लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज है भाई, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिन जो लोग भी 11th 12th में भी HTML सीख रहे हैं या कॉलेज में सीख रहे हैं, तो वो लोग अलग ले सकते हैं कोर्स, जिसमें अपन देख सकते हैं फ्रंट एंड, जो कि आप वेबसाइट देखते हो ना, वेबसाइट बनाते हैं अपन,
फ्रंट एंड कैसा भाई फ्रंट एंड दिखता है वेबसाइट का, तो वो कैसे बनाते हैं यूजिंग HTML। तो आपको ये वाला कोर्स बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, इसकी 4.46 रेटिंग्स और बिगनर लेवल का कोर्स है, अगेन फ्री दिया जा रहा है आपको। और इसमें 2.2 घंटे का लेक्चर है भाई, ये वीडियो लेक्चर जो भी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, और एक क्विज रहने वाला है इसमें। आपको ऑलरेडी 85,464 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं यहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं। और सिंपल HTML आपको मिलेगा, इंट्रोडक्शन, HTML फीचर्स, एडिटर्स, स्केलेटन, कमेंट्स, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, बेसिक टैग्स, टेबल टैग्स, फॉर्म टैग, एट्रीब्यूट्स एंड कंक्लूजन। तो भाई प्रॉपर हर चीज इनने प्रॉपर एक सिलेबस की तरह तैयार किया है HTML जिनको सीखना है। तो गाइस ये वाला आप कोर्स एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अपन नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा MySQL। तो MySQL अगेन आप जानते हो भाई, MySQL भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है जो कि भाई 11th 12th के स्टूडेंट्स करते हैं। MySQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिक्स। तो अगर आप भाई इसको स्कूल में हो, 11th 12th में हो, या आप कॉलेज लाइफ में आ गए, कॉलेज में भी आपको भाई MySQL है, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। फ्री कोर्स दिया जा रहा है ग्रेट लर्निंग की तरफ से गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 4.38 रेटिंग्स है, यहाँ पे भी ऑलरेडी स्टूडेंट 70,416 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल कर चुके हैं। 2 घंटे का वीडियो लेक्चर होने वाला है और एक एक क्विज भी रहने वाला है। तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं। डेटाबेसेस रहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गाइस। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन रहने वाला है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेंगे, व्हाट इज रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर की कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स रहेगी, व्हाट इज SQL एंड गेटिंग बैक विथ SQL, जो कि अपन बेसिकली डेटाबेस में काम करते हैं SQL में, जो कि आप टेबल्स देखते हो या फॉर्मेट्स वगैरह देखते हो उसका बहुत ज्यादा यूज होता है SQL लैंग्वेज में गाइस। टाइप्स ऑफ कमांड्स इन MySQL, फिल्टर रिकॉर्ड्स इन MySQL, ऑपरेटर्स इन MySQL, पैटर्न मैचिंग इन MySQL और नल वैल्यूज इन MySQL। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, आप जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लेना। जस्ट आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना और आपका ये चालू हो जाएगा कोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट कोर्स है आपका भाई MySQL के बाद है आपका पाइथन, ठीक है भाई। पाइथन बहुत बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, क्योंकि अपन ने HTML अभी देख लिया, अब अपन ने MySQL देख लिया और अब ये आ रहा है पाइथन। तो पाइथन बेसिकली अपन गेम डेवलपमेंट सीखते हैं गाइस, जैसे आपको गेम्स बनाने हैं कैसे बनाएंगे, तो आप इसकी मदद से बना सकते हो पाइथन लैंग्वेज की वजह से। और ये कॉलेज लेवल में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है पाइथन, और इनफैक्ट अभी स्कूल स्टूडेंट्स जो कि भाई क्लास 9th 10th 11th 12th वाले, वो लोग भी वाला कोर्स ले सकते हैं पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। तो आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर आपको 4.53 रेटिंग से बिगनर लेवल का कोर्स है और ये 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर है। तो जस्ट आप एक ही घंटे में ये कंप्लीट कर सकते हो, 1.5 घंटे में कंप्लीट कोर्स, आज ही के आज ही आप कंप्लीट कर सकते हो इसको कोर्स। और एक क्विज है, बस आपको क्विज देना है, आप अगर अच्छे पास आउट मतलब हो जाते हो क्लियर, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ग्रेट लर्निंग का। और आप देख सकते हो भाई इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन, आपको कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, 2,31,766 स्टूडेंट एनरोल कर चुके इस कोर्स में। आप देख सकते हो हाईली ट्रेंडिंग चल रहा है, डिमांड में बहुत ज्यादा कोर्स है पाइथन, और आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। स्किल्स में आपको नंपी और पंडास सिखाने वाले कि भाई कैसे अपन इनमें काम कर सकते हैं। तो नंपीज रहेगा, नंपीज, एरेज, इंटरसेक्शन डिफरेंसेज, एरेज मैथमेटिक्स, इंट्रा टू पांडास, ये सब आपको बेसिकली सिखाने वाले हैं पाइथन में कि आप इनकी मदद से कैसे ये सब क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, अगेन आपको इसका भी सर्टिफिकेट, हर कोर्स में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है और सब फ्री लेवल है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको एनरोल करना है इन कोर्सेस में, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन जावा। तो गाइस अगेन ये वाला भी कोर्स बहुत अमेजिंग है, अगर आपको एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर जावा लैंग्वेज अगर आपको बनती है, बेसिक बेसिक आपको बनती, तो आप ये इंटरमीडिएट लेवल का ले सकते हो। इंटरमीडिएट ये भी बिगिनर है, बट ये है कि थोड़ा सा एडवांस है जावा की कंपैरिजन में। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर, आपको डेटा स्ट्रक्चर और लॉगरिथम्स जो कि होती है जावा में, उसके बारे में प्रॉपर 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। वीडियो लेक्चर बस आपको ये देखना हो, जैसे आप देख लोगे आपको सर्टिफिकेट इसका मिल जाएगा विदाउट गिविंग एनी क्विज, ठीक है भाई। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, ऑलरेडी आप देख चुके हो 67,368 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके इस कोर्स में गाइस। और आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो क्या क्या इसमें कवर होने वाला है। स्किल्स में आपके कैलकुलेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन कोड्स रहेंगे, आपको कोडिंग बताई जाएगी बेसिकली, कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रहेगी, रिकर्शन रहेगा। और भाई ये हैं जो पढ़ाने वाले हैं आपको भाई, ये देख सकते हो आपको भाई, आईआईटी के हैं भाई, वॉलमार्ट पीपल में काम कर भी चुके हैं, और आप देख सकते हो इसका सर्टिफिकेट भी आपको ऐसे मिलने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी का, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट 2 कोर्सेस और बचे हैं। ये है नेक्स्ट आपका ब्लॉकचेन बेसिक्स। तो गाइस ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है भाई, जो अपन देखते हैं ना अलग अलग आप
डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन्स वगैरह, अपन देख रहे हैं आज की जनरेशन ब्लॉकचेन का कितना ज्यादा यूज है गाइस। फ्यूचर में आप कोई भी कंपनी में देखोगे, आप ब्लॉकचेन बस गूगल में डालो ब्लॉकचेन एफिलिएटेड कंपनीज, तो आप देखोगे इतनी सारी कंपनीज रहेंगी, आप डायरेक्टली वहां पे जॉब अप्लाई कर सकते हो ब्लॉकचेन अगर आपने किया है तो। गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, इसमें 4.51 रेटिंग्स है, बिगनर लेवल का कोर्स है ये। वो ये 2.5 घंटे का वीडियो लेक्चर प्लस एक क्विज होने वाला है। ऑलरेडी आप देख चुके हो 19,406 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं, प्लस आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि भाई क्या क्या इसमें ब्लॉकचेन में कवर होने वाला है। स्किल्स में आपकी ब्लॉकचेन फंडामेंटल, कंसेंसस मैकेनिज्म, आर्किटेक्चर ऑफ अ ब्लॉकचेन और ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म इन ब्लॉकचेन, तो गाइस ये सब इसमें कवर होने वाला है। ब्लॉकचेन के बारे में देख सकते हैं, डेटाबेसेस क्या है, ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी क्या है, रोल ऑफ इंटरमीडियरीज क्या है, अकाउंट्स, ब्लॉक्स, फिर ट्रांजेक्शन्स एंड मार्कल ट्रीज, कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क एंड स्ट्रोक मैकेनिज्म, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स, व्हाई इंडस्ट्रीज नीड ब्लॉकचेन, क्यों भाई जरूरी है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एग्जांपल्स। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, एनरोल नाउ, बस आपको क्लिक करना और आप ब्लॉकचेन वाला कोर्स भी एनरोल कर सकते हो गाइस। और आज का हमारा लास्ट कोर्स है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। अगर आप भाई स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप चाहते हो कि हम खुद का एक ऐप बनाए, खुद का ऐप बनाए जो कि हम प्ले स्टोर में अपलोड करें, चाहे वो गेम का हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर का हो, चाहे कोई भी ऐप हो, तो आप वो खुद का ऐप बना सकते हो अगर आप ये वाला कोर्स ले सकते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि अगेन आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड है और ये बिगनर लेवल का कोर्स है। मतलब अगर आप 9th या 10th क्लास में भी हो तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो और ये फ्री दिया जा रहा है अभी के लिए। और ये 1.5 घंटे का कोर्स है, वीडियो कंटेंट रहेगा और इसमें एक क्विज होने वाला है। ऑलरेडी आप देख चुके हो 54,101 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं यहाँ पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि भाई क्या क्या स्किल्स कवर होने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐप होता है जो कि आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल किसी में भी आपको जिसकी रैम ज्यादा है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी में आपको बताएंगे कैसे क्या फॉर्मेट होता है, कैसे क्या आप ऐप बना सकते हो, बटन सिस्टम, टेक्स्ट फील्ड वगैरह सब बताने वाले। तो आप देख सकते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन रहेगा, स्टूडियो के बारे में बताएंगे आपको, हेलो वर्ल्ड एक ऐप ये लोग बनाने वाले हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो आप भी इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हो गाइस। और रैंडम नंबर्स जनरेटर ऐप, ये लोग 3 ऐप बनाने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड, रैंडम नंबर जनरेटर ऐप और एडिंग 2 नंबर्स है, तो ये 3 भाई ये लोग ऐप बनाने वाले। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप और ज्यादा फिर अपने ऐप खुद के बना सकते हो अलग अलग चीजों से करके गाइस। और इनफैक्ट आप गेम भी बना सकते हो गाइस एंड्रॉइड ऐप स्टूडियो से। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लो इस कोर्स में। और आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कोर्स आप जो चाहते हो अपनी पसंद का कि भाई ये वाला भी कोर्सेस आप फ्यूचर में लाओ, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि आप ये वाला कोर्सेस जल्दी लाओ, तो मैं उनको कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी वो वाला कोर्सेस लाऊं जिससे आप एनरोल कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आज के लिए आज अपन इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। और यार गाइस सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी बनाऊंगा जिससे आप जल्दी जल्दी कोर्सेस में एनरोल कर लो गाइस। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, सी यू गाइस, बाय बाय, टाटा बाय।